आज के इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है और आज चर्चा का विषय है समता या समरसता दोनों विषय दोनों शब्द अपने आप में समानार्थी भी लगते हैं लेकिन इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा बड़ी विरुद्धार्थी होती है और इसलिए जो समरसता को वो स्वीकारते हैं और उसको प्रचारित करते हैं उनका भी प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है और जो समानता की बात कर रहे हैं समता की बात कर रहे हैं वे प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं आज समता या समरसता देश का एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं आप हैं माननीय सिद्धार्थ पाटिल साहब जो बीआरएसपी के नेता हैं और बरसों से राजनीतिक विश्लेषण करते आ रहे हैं हमारे दूसरे जो अतिथि हैं डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर जो राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय की डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा के विभाग प्रमुख रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर चेयरपर्सन भी रहे हैं एक अम्बेडकरवादी विश्लेषक चिंतक और समीक्षक के रूप में और साहित्यिक के रूप में उनका एक अपना रुतबा है उन्हीं से लगे लगे हमारे तीसरे अतिथि जो इस चर्चा में शामिल हैं प्रोफेसर संजय भेंडे सर संजय भेंडे सर का परिचय यह है कि नागपुर नागरिक सहकारी बैंक जो कि सहकारी क्षेत्र का एक बड़ा बैंक है और नामचीन बैंक है इसके आप अध्यक्ष हैं और साथ ही तो मैत्री परिवार के भी आप अध्यक्ष हैं भेंडे सर लोखंडे सर और पाटिल सर आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि समरसता की बात तो भेंडे सर रखते हैं लेकिन मैं समरसता की अंडरस्टैंडिंग पाटिल साहब से पूछना चाह रहा हूँ पाटिल साहब मुझे बताइए कि समरसता से आप क्या समझते हैं देखो अभी समरसता ये विषय तो आरएसएस का है तो बेहतर तो वो बताएंगे कि की समरसता नहीं वो तो बताएंगे कि सर यहां बैठे हैं लेकिन आप समझते क्या है समरसता इस शब्द से जहां तक समरसता का सवाल है तो मैं इतना मानता हूँ कि समरसता वाले लोगों की जो कहना है जैसा संविधान में जी। दो शब्द है एक है दर्जा और दूसरी है संधि तो दर्जा का दर्जा की समानता जो है वो समता है जी संधि की समानता है वो समरसता है यानी ठीक है भाई हम दलितों को नौकरी में तो अभी बराबर उद्योग में भी उनको थोड़ा सा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं लेकिन भारत की मूल समस्या जो है वो है जाति भेद की और जाति भेद में समता <coughs> नाम का जो शब्द है वो बहुत महत्व महत्वपूर्ण है और इसलिए बाबा साहब ने जितना भी उनका लिटरेचर है चाहे फिर वो संविधान हो या बाकी जगह हो उन्होंने समरसता का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने समता का इस्तेमाल किया कांस्टिट्यूंट असेंबली में जो उनका भाषण है उन पचास का जी छब्बीस नवंबर का उनमें भी उन्होंने कहा कि भाई इस देश में हम राजनीतिक समता प्रस्तापित कर रहे हैं वन मैन वन होट वन होट वन वैल्यू लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम असमानता में रहेंगे तो मैं शासनकर्ता लोगों को कहता हूँ कि वो जितना जल्द हो सामाजिक और आर्थिक समानता प्रस्थापित करने की कोशिश करें वरना ये लोकशाही का जो ढांचा है उसको उद्वस्त कर देंगे तो उन्होंने बात समता की ही की है तो आज हम समता की ही बात करते हैं कि भाई इस देश में सामाजिक समता ये बहुत महत्वपूर्ण है मतलब समरसता को आप कहीं देखते नहीं हैं मैं सीधे भिंडे सर के पास जा रहा हूं। भिंडे सर मुझे आप समता और समरसता इन दोनों शब्दों का आ, क्या क्या इसमें कोई अंतर होता है या फिर इसमें सिर्फ संदर्भों का फर्क है क्या है ये काफी गंभीर विषय है जी एक तो समता और समरसता इन दोन शब्दों के बारे में विवाद होना ही नहीं चाहिए हमारा एक समाज है हमने कुछ समाज में बांटा नहीं है ये समता और समरसता केवल दो शब्दों के पीछे जाकर उस शब्दों की फोड़ की जाए तो मुझे लगता तो है कहना कि तो समानता निश्चित रूप से लेकिन समता और समरसता इसमें से समरसता कुछ विशिष्ट लोगों का शब्द है ऐसा कहना एक प्रकार का अन्याय है हमने कहा कि इस देश में सारे समाज समरस होने चाहिए इसका मतलब ऐसा है कि एक होनी चाहिए एक संगता की भावना यानी समरसता यानी समता ये शब्द यदि मैं रेलवे स्टेशन के बारे में कहूँ कि एक स्टेशन से आखिरी पड़ाव तो मुझे जाना है तो आखिरी का पड़ाव समरसता है और बीच में का स्टेशन समता है ये बीच में का स्टेशन समता में यदि रुक गए हम तो समरसता तक पहुँच नहीं पाएंगे बहुत सिंपल सा उदाहरण है हमने सबको सबने फूलों की माला देखी है किसी एक रंग के फूलों की माला होती नहीं है उस माला में एक जो धागा होता है धागे में एक एक फूल को पिरोया जाता है वो अलग अलग प्रकार का फूल बनता है उसमें पत्ती भी होती है जब अलग अलग प्रकार के फूल और पत्ती इनमें से जो फूलों की अच्छी माला बनती है उसको समरसता कहेंगे इस प्रकार का समर्था उसका अन्यर्थ ही निकालिए आप ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं किसी विशिष्ट समाज के लिए नहीं है तो हमने कहा कि हिंदुस्तान नाम का इतना बड़ा विशाल देश इस हिंदुस्तान नाम के विशाल देश में इस प्रकार केवल एक शब्द के आधार पर और पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर का जगह भी कहना इस प्रकार का बिल्कुल नहीं था उन्होंने मैं कोई कई कोटेशन उसके दूंगा आपको बताऊंगा इसलिए समरसता शब्द के पीछे जाकर केवल समता और समरसता दो शब्द में विवाद उत्पन्न करना इसकी मुझे आवश्यकता नहीं लगती बहुत छोटा उदाहरण दोनों को समानार्थी कहा जाए समानार्थी नहीं कह पाएंगे मैंने कहा कि आखिरी का पाड़ा समरसता बीच में का सेशन समता है यदि हम समरसता तक नहीं पहुंचे तो शायद विषमता खड़ी होगी और हमको इस प्रकार का विषम विषमता युक्त समाज नहीं चाहिए हमको समता और समरसता युक्त समाज चाहिए तो समाज ने कहा कि समता शब्द कहीं ना कि बीच का स्टेशन है इससे आगे बढ़ना पड़ेगा इससे आगे यदि नहीं बढ़े तो ये विषमता युक्त समाज ही ऐसा नहीं रहेगा इससे आगे जाकर सबने मिलकर इकट्ठा कर काम करने की आवश्यकता है यदि इकट्ठा अगर हम काम नहीं करेंगे और केवल शब्द जंजाल में फंसे रहेंगे तो शायद यह समाज एक संघ समाज नहीं हो पाएगा पूजनीय बाबा साहब के मन में भी यह कल्पना बिल्कुल नहीं थी उनके भी मन में यह कल्पना थी कि यह समाज एक रस कैसे बने एक संघ कैसे बने हमारे काफ़ी घोषणाएँ दी जाती हमने कहा कि हिंदुस्तान नाम का देश है भारत नाम का देश है यह अलग भाषा अलग वेश अलग खान पान ऐसा एक वैविध्यपूर्ण देश सारे विश्व में है फिर अलग भाषा अलग वेश है फिर भी हमारा एक देश है इस प्रकार की घोषणा हम क्यों देते तो इस प्रकार का विवाद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार का एक संघ समरस समता युक्त मैंने आपके शब्द का उपयोग यदि आपका शब्द है करना तो। <laughs> इस प्रकार का यह देश होना चाहिए यह हमारे मन में कल्पना है ये वाइडर बेस में देखा तो। मैं डॉक्टर लोखंडे साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा भेंडे सर कह रहे हैं कि समता ये बीच का हिस्सा है और समरसता हमारे पड़ाव का हिस्सा है आपको क्या रखता है आप इस बात से इतफाक रखते हैं जैसे कि मराठी में एक कहावत है कि यह बोटावर ची थी त्या बोटावर अच्छा यानी उंगली एक ही होती है लेकिन लगता है कि दूसरी उंगली है हाँ हाँ भारत देश बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इंडिया देट इज भारत जी ऐसा सभ्य संविधान में लिखा है लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सारे के सारे मीडिया और सारे के सारे प्रिंटिंग मीडिया प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करते हैं जी जबकि हिंदुस्तान नाम की कोई जगह नहीं है पहले हम सुनते थे कि भारत कर थोड़ा इंटर सर एक एक को हम बगल दे रहे नहीं हमारा केवल विषय पर जाएंगे तो शायद आपके शायद हम इस विषय को न्याय नहीं दे पाएंगे मुझे तो तो लगता है कि बहुत गंभीर विषय है इसको न्याय देना चाहिए न्याय देना होने के पहले आप बात नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे आपके बात चलेंगी मैं बात नहीं करूंगा सर लेकिन आप डिक्टेट नहीं करेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ सर आप बोले मैं ये कह रहा था कि पहले एक जमाने में भारत देश को ये लोग कहते थे कि भारत के नाम पे ये भारत बना है अब ये हिंदुस्तान के नाम पे कहते कि इंग्लिश आदमी को इंग्लैंड वाले रशियन वाले को रशिया अपने चाइनीज़ को चाइना कहते वैसे हिंदुओं का इसलिए हिंदुस्तान एक बात दूसरी बात यह है कि हिंदू आचार्य दादा धर्माधिकारी नागपुर के बसे हुए हैं जी बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण जाति के थे कहते थे कि मैं तो खुद ही धर्माधिकारी हूं उन्होंने कहा कि हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम किराने के दुकान में जाते हैं तो नमक मिलता है चावल मिलता है दाल मिलती है लेकिन किराना नाम की कोई चीज नहीं मिलती उसी तरह से हिंदुस्तान जिसे कहते हैं लोग वहां ब्राह्मण है छत्री शूद्र मिलता है भंगी मिळता है लेकिन हिंदू नाम का कोई प्राणी नहीं मिलता मैं उनको आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कहते हैं हिंदू समाजामध्ये पुष्कळचे गुण आहेत पण ज्याच्यामुळे बाबासाहेबांसारख्या माणसाला अत्यंत अपमानाचं जीण जगावं लागलं आणि प्रतिक्रियेच्या वर उठून सुद्धा ज्या कारणामुळे हिंदू समाजात राहणं अशक्य झालं त्या कारणांचा विचार केला पाहिजे जबकि बाबा साहब समरस होना चाह रहे थे प्रोटेस्टेंट हिंदू बन के रहना चाहते थे जाति भेद को निकाल दे तो हिंदू धर्म जैसा अच्छा धर्म नहीं है ऐसा कहते थे वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को नागपुर में जब इनका शस्त्र पूजन चल रहा था पीरियड वहाँ परेड चल रही थी तब बाबा साहब ने दीक्षा ली आचार्य दादा धीरमा देकर यादें कहते हैं हिंदू समाजा मुख्य दोष असा है कि हिंदू कुठे नहीं हिंदू हे, है हे नाव आहे पण नावाचा अर्थ नाही अर्थ म्हणजे वस्तू मुसलमान ख्रिश्चन सिख या नावाचे समाज आहेत व व्यक्तीही आहेत पण हिंदू म्हटला की कुठं दिसतच नाही असं जसं किराण्याच्या दुकानात जिरं गूळ मीठ सगळं आहे पण किराणा नाही तसं ब्राह्मण ब्राह्मण आहे भंगी आहे कोळी आहे माळी आहे पण हिंदू नाही तेव्हा हिंदू हे नाव हिंदू ही वस्तू नाही व्यक्ती नाही समाज नाही त्याचं कारण त्या समाजात जात आहे ज्या समाजात जात आहे त्या समाजात माणुसकीचा विकास होत नसतो कारण जातीचं मुख्य लक्षण हे आहे की तिच्यात कोणी येऊ शकत नाही व तिच्यातून कोणी बाहेर जाऊ शकत नाही तिला जात म्हणतात एक बात एक म्हणजे मला याच्यातून हे सांगायचं आहे सा की जसं आदिवासी म्हणत होतो आतापर्यंत काही लोक त्याला मूल निवासी म्हणतात पण ते साम्य आहे आता त्या आदिवासीला हे वनवासी म्हणायला लागले म्हणजे हे शब्द बदलता तुम्ही सव्वीस जानेवारी आमच्यासाठी मुक्ती दिवस आहे तुम्ही त्याला सव्वीस नोव्हेंबर म्हणायला लागले हे जे विकृतीकरण चालू आहे हे जे बाबासाहेबांच्या विचारांचं विभूतीकरण चाललेलं आहे त्याला आमचा विरोध आहे आणि बाबासाहेब समतेच्या मुद्द्यावर कन्फर्म आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना एकही शब्द इकडे तिकडे नको त्या मुद्द्यावर त्यांनी लाहोरचं जातपात तोडक मंडळाचं भाषण केलं नाही ते म्हणाले आम्हाला तुमचं भाषण जरा तपासू द्या बाबासाहेब म्हणाले सेमही केलं आणि फुलस्टॉप देखील तुम्हाला मी गाडू देणार नाही आणि बाबासाहेबांना भाषण केलं नाही ह्या लोकांना ही जी मनोवृत्ती आहे ही फसवी मनोवृत्ती आहे की समरस समरस का मतलब तुम भी है हम भी है जस मी मी वैसा परंतु यम इक्वेलिटी म्हटलं की एक सारखे गांधीजी पूछा चार वर्ण कसे मानता असे की असे गांधीजी म्हणाले असे एक और एक बाबा साहेब मनाल बर तुमसे मत माला कर ला। जब ऐसी बात नहीं है तो वो समरस हो ही नहीं सकता इसलिए समरसता शब्द से हमें कुछ लेना देना नहीं है हमें इक्वेलिटी चाहिए केवल इक्वेलिटी चाहिए दूसरी कुछ बात हमको मंजूर नहीं है आ, सर भिंडे सर को जोड़ने से पहले मुझे बताइए कि हम जब भारत के संविधान को देखते हैं तो संविधान में समानता स्वतंत्रता बंधुत्व ये, ये सारी चीजें मिलती हैं अभी सर ने भी जैसे जो बात कही कि भाई समानता ये होनी चाहिए समानता ये ना हो आ, ये ये जो तत्व है लेकिन अगर मैं इसको अगर समझना चाहूँ कि बंधुत्व ये जो चीज़ है जो बंधुत्व हमारे भारतीय जनमानस का और भारतीय संविधान का इसको हम प्राण भी कहते कि भाई इसके आधार पर भारत एक संघ भी बना रहेगा तो बंधुत्व को अगर हम डिफाइन करना चाहें विश्लेषित करना चाहें तो हम कैसे विश्लेषित करेंगे Uh, क्या ये समानता और समरसता इन दोनों के बीच में जाकर कहीं जुड़ सकता है देखो बंधुत्व का सीधा तो मतलब होता है भाईचारा जो आपस में बंधु भाव होना चाहिए जी जी। लेकिन जब तक समता और स्वातंत्र नहीं है बंधुत्व आ ही नहीं सकता समता, जातियों में अगर समता नहीं आती है जी आर्थिक क्षेत्र में समता नहीं आती है तो भाईचारा बनेगा कैसा भाईचारा बनाने के लिए समता जरूरी है अभी जैसा उद्योगपति है अंबानी आपके साथ नहीं बैठेगा आप बुलाए तो भी नहीं आएगा क्योंकि उसका स्टेटस बना है किसके साथ बैठना है जातियों में भी जो उच्च जातियों का स्टेटस बना है अभी समरसता की भी जो बात हो रही है तो समरसता के पहले समता ये महत्वपूर्ण है यहां समता जब तक नहीं आती स्वातंत्र जब तक नहीं आता आदमी को अगर आजादी ना हो आ, भेंडे सर यही तो कहने जा रहे हैं कि भाई समता हमारा ये आ, आ, ट्रेन का ये रू, रूट में पड़ने वाला एक स्टेशन है और समरसता पर जाना है नहीं नहीं समता ये महत्वपूर्ण शब्द है ये समरसता वो मानते हैं कि भाई समता तो बीच का स्टेशन है समरसता अंतिम पड़ाव है हाँ. लेकिन हम तो समता ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द मानते हैं तो हमको समरसता का उनका जो मतलब है वो हमें मान्य नहीं है नहीं आपने जैसा अभी कहा कि भाई जब समता लोगों में आ जाएगी जब लोग समानता से जीने लगेंगे जब एक उच्च जो एक संपन्न व्यक्ति एक अभावग्रस्त व्यक्ति के साथ अगर बैठने लगेगा वो उसके साथ समता में आ जाएगा मतलब तो उसके हम समरसता की बात करते तो यह समता स्वातंत्र प्राप्त हुआ है ऐसा हम मानेंगे नहीं मैं आपको पर... बताओ कि जो भी सम, यहाँ समरसता की बात करते तो पहले उन्होंने समता लानी चाहिए ना तो समता लाने के लिए क्या हम इस देश में जाति के आधार पर समता लाने के लिए कोई प्रयास हो रहा जी क्या आर्थिक आधार पर समानता लाने के लिए प्रयास हो रहे क्या आरक्षण के क्षेत्र में हम समानता लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं कौन से देश में यह समता प्रस्तापित हो रही है अभी कल परसों का नवभारत कहता है कि यहाँ बावन परसेंट ओ है और नौकरी में केवल 12 परसेंट है आरटीआई टी के तरफ से जो जानकारी मिली वो नव भारत ने लिखा जी जी जो आ, जो ग्राउंड की रिपोर्ट था आधा उनको 90 से तो रिजर्वेशन मिला यस्टी यस्टी को ठीक है 50 से मिला उनको 90 से मिला 90 के बाद में 25 साल में अगर वो 27 परसेंट उनको रिजर्वेशन मिला वो तो अन्याय था बावन लोगों को सत्ताइस लेकिन वो सत्ताईस में भी बारह पे है तो ये कौन सी क्षमता आप दे रहे तो आप नौकरी के क्षेत्र में क्षमता नहीं दे रहे आप जाति के क्षेत्र में क्षमता नहीं दे रहे आर्थिक क्षेत्र में हालांकि निर्माण करना थोड़ा कठिन ही होता है क्योंकि टाटा बिड़ला अंबानी की सारी संपत्ति लेकर हम बांट नहीं सकते लेकिन जमीन के आधार पर बाबा साहब ने कहा था कि भाई इसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ताकि सारे लोग मजदूरी करें तो समता आ जाएंगी जब समता के लिए ही हमारे प्रयास नहीं हो रहे तो यह समरसता बोलते मैं भाईचारा बोलता हूं बंधुभाव बंदुबा, बंधुभाव भी है जातियों में समानता नहीं आएंगी तो भाईचारा कैसा आएगा जो है वो वो बोलेगा जो नीच है वो नीच ही बोलेगा भंगी को मैं मेरे पास नहीं बैठने देता बोलेगा या महार चमा रहे उनको मैं बराबरी में नहीं बैठने दूंगा आज भी बहुत स्टेट में केवल दलितों ने घोड़ी पे बैठा करके दूल्हे की हत्या हुई ये राजस्थान में चलते रहता है आज भी हर स्टेट में डेली एक खबर आती है कि वो पंजाब में अभी एक दलित के चार हाथ पाओ काट डाले दोनों तो ऐसे इसमें लोग बोलेंगे कि भाई अंतिम पड़ाव हमारी समरसता है समता से भी वो बड़ी है तो हम चाहते कि तो आपका क्या बड़ा है लेकिन पहले समता तो प्रस्तावित करो अच्छा जरा भिंडे सर के पास जाते हैं भिंडे सर आ, मुझे बताइए कि समरसता से मायने क्या है मतलब आप कैसा समझ रहे हैं कि आ, जैसा पाटिल साहब कह रहे हैं कि भाई समानता अगर स्थापित ही नहीं हुई तो वो कौन सी चीज है जिसको समरस करना चाहेंगे मैंने प्रारंभ में कहा बहुत गंभीर विषय है जी जी उस विषय को बगल लेकर और के भटकना चर्चा को अन्याय करना होगा मैंने कहा कि कहीं पर भी ये दो शब्दों के बीच हमारा द्वंद्व नहीं है मतभेद नहीं है भिन्नता नहीं है झगड़ा नहीं है हम इसको जोड़कर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं इसको सोचना पड़ेगा यदि पूजनीय बाबा साहेब आंबेडकर के प्रारंभ के जीवन में हम जाते हैं मैं उसका कोटेशन आपको पढ़ के बताऊँगा कि बाबा साहब ने क्या कहा उनको कहना था कि उन्होंने समरसता के ऊपर ही जोर दिया है उन्होंने ऐसा कहा कि मराठी में केवल सर्व विरोधी भावना फलदायी होना नहीं याची त्यांना जाणीव होती बाबासाहेबांना श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज यांचे हृदय अस्पृश्यांकरता कसे तुट तुटत होते याची त्यांना प्रत्यक्ष माहिती होती आर्य समाज प्रार्थना समाज ब्राह्मो समाज सत्यशोधक समाज थिओसॉफिकल सोसायटी याच्या सगळ्या संस्थांच्या नेत्यांना कार्यकर्त्यांना एकत्रित करून त्यांनी पलीकडे काय केलं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वीस जुलै एकोणीसशे चोवीस रोजी त्यांनी बहिष्कृत हितकरणी सभेची स्थापना मुंबईला केली आणि ही स्थापना करताना अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना कोणी केलं बाबासाहेबांनी तर चिमनलाल सेटलवाडला केलं रॅगलर रॅगलर परांसपेन केलं बाबासाहेब खेरान केलं ऐसे उच्चवर्णीयो लेकर उन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की उनके मन में समरसता की ये भावना जुडी हुई थी प्रारंभ से इस प्रकार की भावना को लेकर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यदि काम किया है हम केवल शब्द के जंजाल में क्यों लटके हुए हमने कहा मैंने कहा कि आखिरी पार्वर समरस तो बिल्कुल पक्का है इस पर मेरा बिल्कुल पक्का मत है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सब समाज को साथ में लेकर एक एक को जोड़कर आज जो विषमता युक्त तो समाज है इसलिए विषमता युक्त तो समाज को खत्म करते हुए बिल्कुल जाति भेद नहीं होना चाहिए जाति जाति में विद्वेश नहीं होना चाहिए जाति जाति अलग नहीं होनी चाहिए आज समाज में इस प्रकार की स्थिति आ रही है पैदा हो रही है अच्छे काम के लिए समय लगता ही है इसलिए मैंने कहा कि कोई जातिगत आधार पर इस प्रकार का विषमता युक्त समाज खड़ा करना यानी समता के आगे भी नहीं पहुंचेंगे इसलिए इसके आगे बढ़ सकते हैं क्या इसलिए सबको साथ मिले सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना इस प्रकार का मन में प्रामाणिक भाव से हेतु अपने मन में रखिए यदि ये रखते हैं तो निश्चित रूप से स्तर तक पहुंचेंगे इस, शब्दों में क्यों लटके हुए हैं तो समता इसके पहले की भावना समता है उसके आगे बढ़िए सबको साथ ले जब ये जुड़ेंगे एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से एक संस्कृत में कभी अच्छा सुभाषित है वो सुभाषित आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छती सागरम बारिश गिरती है आकाश वो किसकी होती है किसी जाति विशेष की होती है किसी विशेष व्यक्ति के लिए घिरी जाती है वो जो बारिश गिरती है वो सागर में जाकर मिलती है तो आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गति ये केशव कौन है ये केशव भगवान गौतम बुद्ध है ये केशव कृष्ण है ये केशव राम है यह केशव सब प्रकार के बाबा साहेब आंबेडकर यह मेरा कहना है यदि आसमान से बारिश गिर रही है तो हमारी सबकी है इस प्रकार की सागर में इस प्रकार की एकरूपता जब आएगी तब समरस समाज बनेगा आज इस प्रकार का समरस समाज बना है क्या इसलिए जिस प्रकार का विद्वेश फैलाने की बात की जाती है ये केवल शब्दों के आधार पर झगड़ा लगाने की बात होती है हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा हमारे सभी लोगों को आज के युवा पीढ़ी को उनको बताना पड़ेगा भाई इस प्रकार का एक संघ या समाज निर्माण हो सकता है यह स्थिति आज देश में पैदा हो रही है उस स्थिति के आधार पर हम केवल पीछे वाले उदाहरण लेंगे उसमें आपस में लड़ते रहेंगे नहीं हम तो शायद शायद एक संघ समाज की निर्मिती नहीं हो पाएंगी हम केवल विषमता द्वेष मत्सर राग इसी प्रकार के भाव यदि प्रकट करते रहेंगे तो शायद समरस समाज नहीं बनेगा उस विषमता युक्त तो समाज में हम जिएंगे हमको इस विषमता युक्त तो समाज से बाहर यदि निकलना है हमको समरस समाज के निर्मिति में सबको मिलकर मराठी में कहते हैं कि हृदय से हृदय से नाता जोड़ा इस प्रकार के दिल से दिल का नाता जोड़ो कि पास में नजबिक तो लो इस प्रकार का हृदय से हृदय का नाता यह पक्का जब तक नहीं होता तब तक समरस समाज की निर्मित नहीं होती इस प्रकार के समरस समाज के निर्मिति के लिए इस प्रकार की भावनाओं को जगाना

कहीं भी जाति भेद नहीं है आज तो बड़े नहीं नहीं, म, म, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग आप चला रहे हैं पिछले साल चालीस गरीब मतलब, मैं बिल्कुल जाति का उल्लेख नहीं करूंगा चालीस गरीब परिवार उन युवक और युवतियों की मैंने शादी मैत्री परिवार संस्था के माध्यम से लगाई उसके लिए नागपुर के पुलिस कमिश्नर नागपुर जिले की पुलिस पुलिस कमिश्नर हमारी मैडम थी इनकी मदद लेकर उनका सिलेक्शन किया प्रॉपर इंटरव्यूज ले और प्रॉपर इंटरव्यूज लेकर अलग अलग जाति के लोग थे यदि जाति का उल्लेख करना है तो, तो उस चालीस परिवारों को एक साथ लाने का काम मैत्री परिवार संस्था ने किया केवल उतना ही नहीं तो उसके साथ पाँच साल तक मैत्री परिवार का एक एक सदस्य उस परिवार से जोड़ा गया जो जोड़ा गया उसको जाति के आधार पर नहीं जोड़ा गया एक एक परिवार अडॉप्ट किया दत्तक लिया उनको कहा कि 40 परिवार तुम्हारे इनको साथ में लो आज परिवर्तन आ रहा है चालीस के चालीस परिवार मैत्री परिवार के साथ जुड़े हैं कोई जाति का संबंध नहीं है इस प्रकार का, का काम हो रहा है इसको अधिक और करने की आवश्यकता है इसलिए मैंने कहा हाँ। कि शब्दों के झगड़े में इस प्रकार का विद्वेश या द्वेष फैलाने का काम यदि करोगे तो शायद ये विषमतायुक्त तो समाज ऐसा ही खड़ा रहेगा ये विषमता युक्त तो समाज को खत्म करते हुए समरस समाज के निर्मित और आगे कैसे गड़े इस प्रकार का प्रयास करने की डॉक्टर लोखंडे सर मुझे बताइए कि जैसा कि प्रोफेसर भिंडे कह रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग जातियों के अलग अलग युवाओं को इकट्ठे करके उनके साथ जो वैवाहिक संबंध है उनको जोड़ा और उन परिवारों को इकट्ठा किया है आपको लगता है कि ये जो रोटी व्यवहार है ये जो बेटी व्यवहार है ये अगर बढ़ते हैं तो क्या ऐसे किसी एक अच्छे समाज के निर्माण का हम सपना देख सकते हैं या फिर जिसको हम समानता और समरसता इन दोनों शब्दों से ऊपर उठकर क्या हम एक अच्छे बेहतर समाज के निर्माण के ओर बढ़ सकते हैं डॉक्टर साहब अगर इनकी बात सही होती जी तो जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाया समता स्वतंत्रता बंधुता की बात कही सेकुलरिज्म शब्द नहीं था इस बात पे वो लड़ रहे हैं समाजवाद शब्द बाद में डाला गया इस बात पे भी वो लड़ रहे हैं और अपने को कह रहे हैं कि भाई समरसता और समता ये शब्द में झंझट मत करो जी। सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने समता स्वतंत्रता बंधुता का संविधान बनाया तब कुर्तकोटी नाम के शंकराचार्य कहते हैं कि संविधान तो बहुत बेहतरीन बना है लेकिन उसमें एक बुराई है कि वो एक अछूत ने बनाई है शंकराचार्य कह रहे हैं एक अछूत ने बनाई है ये बहुत ही बुरी बात है जैसे कि दूध जो होता है सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है लेकिन अगर वो गटर से आता है तो वो जैसे निषिद्ध होता है उस तरह से अछूत ने बनाया हुआ ये संविधान निषिद्ध है और देखो आचार्य आपण गतरम माटखोलकर क्या वर्तमान में ये प्रैक्टिस है वही तो कह रहा हूं, वही बता रहा मै माटखोलकर जी क्या कहते हैं हिंदू कोटबिलाच्या रूपाने भारतात अनाधिकाळापासून निर्माण झालेले सर्व धर्म आणि पंथ यांना वैधानिक संहितेच्या एका भूमिकेवर आणून अखिल भारतीय समाजात एकात्मता आणण्याचा प्रयत्न डॉक्टर आंबेडकर यांनी केला एकात्मता शब्द बहुत प्रिय इन लोगों को हे त्यांचे विधेयक जर संसदेने स्वीकारले असते सनातनी हिंदू लोकांनी त्याला विरोध केला नसता हे वाक्य अंडरलाईन करा सनातनी कोण होते थे? ते ते तुम्हालाही माहीत आहे यांनाही माहीत आहे सनातनी हिंदू लोकांनी त्याला विरोध केला नसता आणि जैन शीख इत्यादी पंथोपपंथांनी त्याला मान्यता दिली असती तर संपूर्ण भारतीय समाजात वैधानिक एकता और दृढ़ता उत्पन्न पर हम चार अदूरदर्शपना ने ती ही संधि हमें गमावली। अगर बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने एक ब्राह्मण महिला से शादी की जब हमें उन, 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 उनको हमने माई साहेब कहा इससे और कौन सी बात होनी थी जब बाबा साहब ने ब्राह्मण महिला से शादी की तो सारे ब्राह्मण समाज ने यह कहना था कि आंबेडकर साहब आपके लिए हमने तालाब खोल दिए हैं कुएं खोल दिए स्कूलों खोल दिए पुलिस की नौकरियां खोल दिए बाबा साहब कहते रहे कि माजी आज नरकातुन मुक्तता जाली और ये लोग इधर परेड करते रह गए और आज कहते हैं कि बाबा साहब की एक जयंती मनाएंगे हम बाबा साहब का विचार सारे दुनिया में ले जाएंगे हम बाबा साहब का समरसता का विचार कौन होते हो तुम समरसता शब्द क्षमता शब्द के बदले देने वाले कौन होते हो तुम रिजर्वेशन की बात करने वाले कि सौ साल के बाद हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे कौन होते हैं आपके इसका रिव्यू करने की बात करते हैं साढ़े तीन परसेंट के लोग सत्यान परसेंट लोगों के बारे में कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया उन्होंने नहीं क्या साढ़े तीन परसेंट ऑफ इंडिया उन्होंने नहीं क्या फिफ्टीन परसेंट ऑफ इंडिया हंड्रेड परसेंट पीपल ऑफ इंडिया बाबा साहब ने अपनी बात कही है तो यह कहने से नहीं होता कि मैंने दस लड़कों को बाबा साहब ने कहा गांधी जी को कि बोले पैंतीस लाख तुमने पानी में डाल दिया बीस लाख मुझे देते तो मैं अच्छा काम करता क्यों नहीं कहा तुमने कि खादी जैसे कंपलसरी कर दी वैसे मैं एक अछूत के लड़के को अपने घर में उसको रखूंगा उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा और उसको पढ़ाऊंगा छुआछूत को मिटाना आ, ये इस इस बात को आगे बढ़ाएंगे सर यहाँ रुकेंगे मित्रों इस समय ये जो चर्चा चल रही है समता या समरसता इस विषय पर ये चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा के इर्द गिर्द बहुत सारे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं और ये जो चर्चा है इसको आगे बढ़ाएंगे आ, इस चर्चा में हमारे साथ हैं माननीय सिद्धार्थ पाटिल साहब डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर और प्रोफेसर संजय भेंडे सर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ रुकते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कहां है बिल्कुल है बिल्कुल, बिल्कुल है बिल्कुल है दिखाओ है। मुझे क्यों दिखाएं किस ये किसकी दिखा किस है, किस है? किस ये, मुझे दिखाओ ये देखो ये ये बात तो सही है नहीं अरे कोई बात हो गई मैं बताता हम सब मिलकर हम सब मिलकर कुछ नहीं पढ़ लोगे आप ये कोई विद्वेष और चर्चा वो किताब दिखाओ मुझे झगड़े वाली बताओ आज के इस विशेष चर्चा में पुनः एक बार आपका स्वागत है और इस समय ये चर्चा चल रही है समता या समरसता इस विषय पर सही मायने में अगर इन शब्दों को अगर देखा जाए तो चर्चा में यह सुर आ रहा है कि ये मात्र शब्दों का जंजाल है लेकिन ये भेंडे सर का मानना है लोखंड सर का ये मानना है कि इस शब्द को बदलने की जरूरत क्या है अगर समता हमारे पास है तो समरसता को बार बार बोलने की जरूरत क्या है पाटिल साहब इस बात पर अड़े हुए हैं कि समरसता इस शब्द का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि अभी समानता स्थापित हुई ही नहीं है समता अभी हमारे भारतीय परिवेश में दिख नहीं रही है इस स्थिति में पहले तो समानता को यानी कि समता को स्थापित करने की जरूरत है इस चर्चा को हम यहाँ छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर लोखंडे सर आपने कहा था कि ये शब्दों के जंजाल में फंसाने की बात है लेकिन वास्तविक भारत का परिवेश कुछ और कहता है आ, कैसे कहेंगे आप कि ये शब्द जो समरसता हो या फिर समता हो इन दोनों को दो अलग दायरे में क्यों देखना चाहिए इसलिए कि देखिए पहली बार जो समरसता की बात करने वाले लोग हैं उन्होंने गोहत्याबंदी के लिए एक आंदोलन चलाया और सबसे दुर्भाग्य की बात है भांडे साहब के सामने कह रहा हूं कि इनका कोई भी प्रोग्राम पंचांग देखे बगैर नहीं होता परंतु इन्होंने बाबर के द्वारा बनी के नहीं बनी इस बात का भी तो इस बात जब मैं बता रहा हूं आपको मेरी बात जी जी। कह रहा हूं मेरे उदाहरण के लिए मैं हमेशा मैं इतिहास से बात करके वर्तमान में बात करता हूं जी जी जब छह दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर का परिनिर्वाण दिन था तमाम बौद्धों का मोहर्रम का दिन था शोक दिन था उनको उस दिन मस्जिद को तोड़ के इन्होंने विजय दिवस बना दिया मेरा कहना यह है कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो उसका कोई प्रूफ तो दो हमने बाबा साहब ने ब्राह्मण लेडी से शादी करके प्रूफ तो दे दिया बाबा साहब कहते केवल शादी करने से नहीं जमता केवल इंटर डाइनिंग से नहीं जमता आपके ग्रंथों में जो जातीयता को सैंक्शन दिया गया है मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं स्वतंत्रताबीर सावरकर अपना ग्रंथ मानते हैं और जाति भेद को अपना जीवन मानते हैं अपना भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि आप लोग हमारे बारे में आपके मन में कोई सद्भावना है जब आपने ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अरे रे डॉक्टर आंबेडकरांची उडीत आता हिंदू धर्मातच पडली सावरकर क रे अरे रे यांची उडीत आता बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतल्यामुळे हिंदू धर्मातच पडली आता बौद्ध झालेल्या महिलेला डोक्यातील उवादेखील मारता येणार नाहीत स्वतंत्रता वीर सावरकर बॅरिस्टर काही रे हिंदू हृदय सम्राट आता यांना डोक्यातल्या उवादेखील महिलांना मारता येणार नाही कारण बुद्धाची अहिंसा ही यांना मान्य आहे और यहाँ देखो कैसा खतरनाक तरीके से कहते हैं ये लोग ये मैं इनके लिए मालूम के लिए पढ़ाना चाहता हूँ ये भेंडे साहब ये जो नम्र निवेदन है ये है 214 के अंत में जब हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज उसमें क्या कह रहे हैं ये आज फिर यह समय आ गया है कि अधर्मी अंबेडकर पासवान मायावती के कारण बौद्ध धर्म पुनः अस्तित्व में आने लगा है हमें पुनः बौद्ध धर्म के प्रभु प्रभुत्व को दूरदर्शिता के साथ नाश करना होगा वो कूटनीति अपनानी होगी जो हमने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए आतंकवादी घोषित उन्हें आतंकवादी घोषित करने करके हमने घर घर में कत्लेआम करवाया ईसाई मिशनरियों के बच्चों को जिंदा जलाया तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य अने और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद से आरक्षण को समाप्त करवाया अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि अंबेडकर के संविधान को पूर्णता नष्ट करके देश में लोकतंत्र के स्थान पर राम राज्य की स्थापना यह बात मुझे बताइए कि जब ये आपका प्रोग्राम है कि जब आप ये बात चाहते ही नहीं है पसंद ही नहीं करते हैं यहां देखो गुरुजी क्या कहते हैं गोलवर कहते हैं कहते हैं यह हिंदू राष्ट्र है भारत हिंदू राष्ट्र है आर्यवंश हिंदू धर्म संस्कृत भाषा हिंदू संस्कृति और हिंदू भूमि यह पांच तत्वों से हिंदू राष्ट्र बनता है बाबा साहब ने भारत बनाया रिपब्लिक बनाया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और यह कहते हिंदू राष्ट्र बनता है यह जिसे मान्य नहीं उन्हें इस हिंदू राष्ट्र में रहने की इजाजत नहीं आप सर अभी जैसा कि लोखंडे सर जिस बात को हमें पढ़कर सुना रहे हैं क्या आपको लगता है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर अगर समरसता का विचार आगे बढ़ता है तो क्या भारत में रहने वाला मुसलमान भारत में रहने वाला सिख भारत में रहने वाला ईसाई भारत में रहने वाला बौद्ध या फिर वो निधर्मी वो इस, इसका हिस्सा बन पाएगा मैं भाऊ लोखंडे जी का आदर करता हूँ मेरे से ज्येष्ठ भी है अनुभवी है अभ्यासक भी है अभ्या कल्पना शक्ति के आधार पर जिया नहीं जा सकता बहुत गंभीर विषय है बहुत आवश्यक विषय है इस विषय को सकारात्मक दृष्टि से लेते हो तो विषय अच्छा चलेगा लेकिन केवल पुराने बातों को उजागर करते हुए या गलत कुछ इंटरप्रिटेशन करते हुए करोगे तो विषय शायद ठीक से नहीं हो पाएगा जी जहां तक सामाजिक समरसता का विषय है उस विषय को भटक कर और कहीं किसी दिशा में ले जाना इसमें से चर्चा अच्छी नहीं होगी चर्चा निष्पन्न नहीं होगी और आगे यदि समाज को जोड़ने की बात जहां कर रहे हैं तो ये शायद समाज को जोड़ने की बात नहीं होगी हमको उदाहरण समाज में देखने पड़े कई उदाहरण है हजारों उदाहरण है इन हजारों उदाहरणों को देखकर कुछ किया ही नहीं इनको किसने ठेका दिया इस प्रकार के यदि शब्द होंगे तो शायद ये मैं नहीं कहूंगा कि समाज के कुछ लोग तो इनको कहेंगे कि आपको किसने ठेका दिया भाई आप ठेकेदार बने हो क्या इस देश में सबको अधिकार है कोई ठेकेदारी की बात नहीं करना चाहिए इस प्रकार की ठेकेदारी की बात करोगे तो शायद विषमता ही पहलेगी इस विषमता के विष को आप पैदा करोगे कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में इस विषमता के विष को समाप्त करने की भाषा तो करो उसको जोड़ो तो जोड़ने की तो भाषा करो मैं बार बार कर रहा हूं इस प्रकार का समरसता युक्त तो समाज निर्मित में हमारा कुछ योगदान है क्या हमने कुछ किया है क्या यह विषय केवल भाषणों से कोटेशन से इस प्रकार की चर्चा से नहीं होता यह अनुभव से होगा यह व्यवहार से होगा यह समाज में जाने से होगा एकमेक को गले लगाने से होगा लेकिन व्यवहार छोड़कर केवल

आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी शायद जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे आने वाली पीढ़ी आपको कहेंगे कि, कि हमको जोड़ा कि नहीं किसी परिवार में संघर्ष होता है उस परिवार के होने वाले संघर्ष में बगल वाला आदमी भी उस परिवार के संघर्ष को और तेल डालता है तो शायद वो परिवार टूटता है कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिवार टूटने की बात हम करने जा रहे हैं क्या पूजनीय बाबा साहब आंबेडकर किसी एक व्यक्ति विशेष के थे क्या किसी एक समाज के थे क्या उस देश के लिए सबके लिए परम पूजनीय थे बाबा साहब के जीवन में कभी उन्होंने कोई बात इस प्रकार की, की नहीं जहां समरसता का बात आई तो पूजने बाबा साहब ने समरसता को बंधु भाव उनका कोटेशन में पढ़ता हूं उन्होंने कहा कि माझा मुळे धर्मात आहेत राज्यशास्त्रात नाहीत माझे गुरु बुद्ध यांच्या शिकवणीपासून ते मी काढले आहे माझ्या तत्वज्ञानात स्वातंत्र्य आणि समता यांना जागा आहे समता शब्द आलाय पुढे जा परंतु अपरिमित स्वतंत्रतेने समतेचा नाश होतो हे लक्षात आपण घेतलं पाहिजे की ज्या अशा प्रकारची अपरिमित स्वतंत्रता येते तेव्हा नाशच होतो त्याला पलीकडे म्हणतात आणि निर्भय समानता स्वातंत्र्याला वाव ठेवीत नाही माझ्या तत्त्वज्ञानात स्वातंत्र्य आणि समता यांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून केवळ संरक्षण म्हणून निर्बंधाला स्थान आहे परंतु निर्बंध हा स्वातंत्र्य आणि समता यासंबंधी होणाऱ्या उल्लंघनाविरुद्ध हमी देऊ शकतो असा माझा विश्वास नाही माझ्या तत्त्वज्ञानात बंधुतेस फार उच्च स्थान आहे स्वातंत्र्य आणि समता यांच्याविरुद्ध संरक्षण फक्त बंधुभावनेतच आहे याचेच दुसरे नाव बंधुता किंवा मानवता आणि मानवता हेच धर्माचे दुसरे नाव आहे ही बंधुता बंधुभावना याचेच दुसरे नाव सामाजिक समरसता आहे हीच मानवता आहे हाच धर्म आहे भगवान बुद्धाची मैत्री व करुणा यातूनच समरसता परिपोष निर्माण होतो तिचे पोटी समता विकसित होते जे प्रोग्रेसिव्ह लिबरल रॅडिकल रिव्हॉल्युशनरी वगैरे लोक समता हे अंतिम गंतव्यस्थानाचे मांडतात त्यांना मी आव्हान देऊन सांगतो की जगाच्या इतिहासात असं एक उदाहरण दाखवा की केवळ समतेवर आग्रह धरून समता स्थापन झालेली आहे बिलकुल है बिलकुल बिलकुल है बिलकुल है

ये आपका मत है बाबा साहब ये, ये, ना ये आपका मत है ये ये क्यों मत है नहीं नहीं बिल्कुल झूठ है आपका मत है ये आपका मत नहीं है आपका आपका वैयक्तिक मत है आपके वैयक्तिक मत से बिल्कुल सहमत हूँ कोई सम... कौन सा समाज कौन सा समाज कौन सा समाज आपका, आपका? वैयक्तिक मत है और वैयक्तिक मत इस, से हो इस प्रकार के जोर से बोलकर आपके मन आपकी कल्पना को साकार मतलब आप तो, आप विद्वान ये हो लेकिन तो, हो, विद्वान होने के साथ नहीं अपनी सारी व्यवस्था को तो, जनता तो, आवश्यकता आप हमेशा रखो नहीं मारने का देखो भी शब्द सुनिए भिंडे सर मुझे आप एक बात बताइए कि जैसा लोखंडे सर का ये कहना है कि यदि जी जिसको आप समरसता कहने जा रहे हैं और ऐसी समरसता में जाति के अहंकार को वर्णों की व्यवस्था को क्या इसको बाजू में रखकर समरसता को खड़ा किया जा रहा है या फिर यह समानता समानता की जगह है वर्ण वर्ण की जगह है जाति का अहंकार जातियों की जगह है और समरसता चली जा रही है एक शब्द के रूप में क्या वास्तविकता है जाति वर्ण मतभेद समाज पंथ सब दूर होकर

सबको एक साथ जोड़ने की बात है सबको एक दायरे में बनाने की बात है क्या आपको लगता है कि भारत का परिवेश जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उस परिवेश में अगर बंधुभाव को मैं मैंने पहले भी आपके पास में लाया था इस बात को कि अगर बंधुभाव को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या समानता को हम किस लहजे में देखेंगे नहीं पहली बात तो यह है कि जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं जी तो वो विषय पे चर्चा कर रहे हैं और समता जो है जी समता ये सर्वोच्च है ये बाबा साहब ने भी माना है और अभी जो भाऊ का भी जो वाद विवाद हुआ तो उनका ये कहना ठीक है कि आपने रेफरेंस जिस किताब से पढ़ा है वो किताब किसकी है अगर वो किताब बाबा साहब की है तो हम मान भी लेते कि चलो बाबा साहब ने कहा होगा किताब अगर दूसरे की है ठेंगड़ी जी साहब की है तो ठीक है वो ठेंगड़ी जी साहब किसी के लिए आदर्श हो सकते हैं किसी के लिए नहीं हो सकते यहाँ सदियों से दो विचारधारा चली है एक है फुले शाहू आम्बेडकर की जो वर्ण व्यवस्था का इनकार करती है दूसरी है वर्ण व्यवस्था को कायम रखने वाली तो समरसता का एक ही अर्थ होता है कि जाति भेद है कायम रखो धर्म है वो कायम रखो भेदा भेद जो है वो कायम रखो और आपस में सिर्फ भाईचारा करो तो एक टाटा बिड़ला अंबानी के साथ में रिक्शे वाले के रिक्शे वाले का भाईचारा क्या हो सकता है एक एक के साथ में एक भंगी का भाईचारा कौन सा पैदा करने वाला हो सकता है। तो ये प्रोग्राम क्यों नहीं, तो नहीं चल रहा है बाबा साहब ने तो कहा था कि भारत बौद्धमय करूंगा अभी ठीक है उनके धर्मांतर का तो कोई विरोध नहीं कर रहा है जो हमारे भेंडे साहब है वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन धर्मांतर बंदी विरोध कानून आड़ राज्यों में बना और अभी डिमांड हो रही कि भाई केंद्र में उसको करो भारतीय संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है फिर आप बोलते कि भाई गोवत बंदी नहीं होनी चाहिए किसने क्या खाना चाहिए किसने क्या नहीं खाना चाहिए देश का प्रधानमंत्री विदेश में अगर जाता है तो फिर भारत की किताब कौन सी दूसरे को प्रेजेंट देनी चाहिए तो भारत का संविधान देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर विदेशी राष्ट्रपति को गीता प्रेजेंट देता है या भारत में गीता ये भारत का सर्वोच्च की किताब है ये कहने के लिए सुषमा जी स्वराज हो या बाकी लोग बोलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप ये अगर सारा कायम रखते हो तो ये सारा कायम रखते हुए भाईचारा बनाओगे कैसे एक तरफ आप राम मंदिर निर्माण भी करना है बोलते एक तरफ मुसलमानों को पाकिस्तान भी जाओ बोलते किसी ने असहिष्णुता शब्द का प्रयोग किया तो भी उसको भारत में रहने लायक नहीं मानते हैं यहाँ पचासी परसेंट पचहत्तर परसेंट जो एस सी एस टी ओ बी सी है उनका आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है तो ये सारा आप कर रहे हो आप पचहत्तर परसेंट लोगों को आज नौकरी में कितना प्रतिनिधित्व मिला उसके बारे में आप कहीं नहीं कहते अच्छा बौद्ध अगर छोड़े तो दलितों में सारे हिंदू हैं ओ में तो सारे हिंदू है आदिवासी भी सारे हिंदू है सारे हिंदू इस देश में बावन और पच्चीस पचहत्तर तो हो ही जाते हैं पचहत्तर परसेंट लोगों को पच्चीस परसेंट नौकरी मिली और बचे चार टक लोगों ने सत्तर टक नौकरियों पे कब्जा करके रखा है और फिर भी आप बोलेंगे इसके बारे में कुछ मत बोलो हम तो भाईचारा बनाना चाहते हैं और वो भी उसमें धमकी भरी भाषा की ऐसा अगर नहीं करोगे तो ये समानता नहीं आएंगे तो समानता आना नहीं, 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 नहीं देंगे आपको किसने बोला है वो तो हमारा काम है हम करेंगे वो महात्मा फुले ने किया वो शाहू महाराज ने किया वो बाबा साहब ने किया हम भी कर रहे हैं और हमारे जाने के बाद में हमारी पीढ़ी भी करेगी वो ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ का संघर्ष चलते रहेगा ये किसी के दादागिरी से रुकने वाला नहीं, नहीं। किसी के आवाज बढ़ाने से रुकने वाला नहीं, नहीं। किसी के धमकी से रुकने वाला नहीं नहीं तो बौद्ध समाज या बोलो जो भी आंबेडकर आई समाज है बहुत थोड़ा है लेकिन बाबा साहब के जमाने में भी वो लड़े बाबा साहब जाने के बाद भी लड़े और इसके बाद में भी लड़ते रहेंगे वो हथियार डालने वाले है नहीं और उनके खिलाफ कितने परसेंट लोग हैं इनकी उन्होंने ना पहले परवाह की है ना, भी करेंगे। ना अभी करते हैं ये ये वक्त जा रहा है मैं भिंडे सर के पास जा रहा हूँ भिंडे सर बिल्कुल चर्चा के अंतिम दौर में है हम मुझे आप एक बात बताइए कि क्या भेदा भेद को वैसा का वैसा रखे जाति भेद को वैसा का वैसा रख के हमारे सामाजिक जीवन में गैर बराबरी को जैसा का वैसा रख के क्या समरसता की प्रैक्टिस को किया जा सकता है बिल्कुल नहीं होगा मैंने शुरू में भी कहा कि इस प्रकार के जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करने की इसकी पहल है। कौन करेगा हम सब मिलकर करेंगे और कहीं ना कहीं देखिए चर्चा को मुझे लगता है कि सरकार के साथ जोड़ा जा रहा है मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ बैठे दोनों हमारे ज्येष्ठतम व्यक्ति और मैं छोटा आदमी यहाँ हमने कहा कि समाज को एक संग रखने के दृष्टि से इस चर्चा का आखिरी का निचोड़ निकलना चाहिए जी आज हम ऐसे वर्ष में बैठे जहाँ पूजने बाबा साहब की एक जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे क्या हम सही मायने में इस महापुरुष को इस प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं क्या कि पूजनीय बाबा साहब के मन में जिस प्रकार का विषय था कि इस देश में एक प्रकार से एक संघ समाज की निर्मित होगी शायद आप क्या ये संकल्प की ओर जा रहे हैं बिल्कुल लो? बिल्कुल जा रहे हैं शायद पिछली बार नहीं हुआ पिछले वर्षों में नहीं हुआ आगे है हो सकता है क्या आगे यदि हो सकता है ये हमारा सकारात्मक यदि विश्वास है तो उस विश्वास को बढ़ाते हुए हम सबको साथ में लेकर पूजनीय बाबा साहब को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और हमारे देश में छुआछूत भेदभाव विषमता इसको समाप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में हाथ जोड़कर छोड़ो पुरानी बातें यदि हुआ होगा तो गलत ही है

आजादी में क्या होता है क्या होना चाहिए फ्रीडम इंप्लाईज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल शब्द है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिस बात को पाटिल साहब ने कहा जी रिक्शे वाला और अंबानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एबोल्यूशन ऑफ कास्ट जाति भेद का विनाश नाश नाश बैरियर्स एंड सोशल इक्वेलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ये जो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लव जेहाद घर वापसी वगैरह चल रहा ना ये एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाक्य है और बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर साफ शब्दों में कहते हैं इफ हिंदू राज देखिए भारत का प्राइम मिनिस्टर जापान में जाके गीता देता है जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुला के गंगा की आरती करता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ब्राह्मणों के चरण धोए तीर्थ लिया कहा कि इन्होंने देशद्रोह किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर में अछूत लड़के को नहीं ले गए कहा कि इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है और जब आज भारत का प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और गंगा की आरती करता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये जो है तोगड़िया जी बाकी सारे के सारे लोग हैं ये हिंदू राज लाना चाहते हैं यहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा है इफ हिंदू राज बिकम ए फैक्ट अगर ये हिंदू राज सही माने में आता है जो अभी आधा आ गया है इफ हिंदू राज बिकम ए फैक्ट इट विल बी नो डाउट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कलेमिटी टू दिस कंट्री भयंकर आपत्ति आ जाएगी बाबा साहब कह रहे नो मैटर वॉट द हिंदू से हिंदुइजम इज ए मीनास टू लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी स्वतंत्रता और बंधुता के लिए वो बहुत ही उपयुक्त नहीं है ऑन दैट अकाउंट इट इज इनकेपिटेबल विथ डेमोक्रेसी और आखिर में शब्द लिखते हैं बाबा साहब हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट कुछ भी कीमत चुकाना लेकिन हिंदू राज को रोकना हमने तय कर लिया है वक्त आने पे बता देंगे तुझे अ आसमा हम अभी से क्या बताएं आज हमारे दिल में इस ये चर्चा अंतिम दौर में जा रही है पाटिल साहब अंतिम रूप से अगर हम इस चर्चा को समेटना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे मैं ये ही कहूंगा अभी दबेश्वर में क्यों ना हो देश में मैं तो संसद में जब संविधान का ये हुआ संविधान दिन मनाया गया दो दिन मैं डिबेट काफी नज़दीक से सुना और वेलकम किया कि काफ़ी दिनों से मेरे दिल में ये बात थी कि संविधान दिन हम मनाते थे तो ये आज लेट क्यों ना हो देश का प्रधानमंत्री मना रहा भारत की संसद बन रही है नागपुर में भी मुख्यमंत्री ने मनाया है मतलब राज्य मना रहा है खुशी की बात है तो बाबा साहब को जो अभी जैसा प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि बाबा साहब के आर्थिक विचारों की देश को जरूरत है संसद में भी बोला उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी तो अपने नागपुर में है उन्होंने भी बोला कि बाबा साहब के आर्थिक विचार से हम दूर रहे बाबा साहब के आर्थिक विचारों की जरूरत है तो हम कहते हैं कि एक तरफ तो आर्थिक विचार रामन और लोहिया के भी थे समाजवादी के थे बाद में अपने दीनदयाल उपाध्याय गांधीवादी गांधी जी के भी विचार थे हाँ। तो अपने अपने समय में उन्होंने अपने अपने आर्थिक विचार भी रखे हैं किसी ने सामाजिक विचार भी रखे हैं लेकिन आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि बाबा साहब के आर्थिक विचार समझना जरूरी है वो देश के लिए अच्छे है मतलब बाबा साहब के विचारों पर देश अभी चलने की सोच रहा है तो ऐसे इसमें फिर बाबा साहब के सामाजिक विचार है आर्थिक विचार है तो वो समता के आधार पर लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो बाबा साहब ने तो बहुत सारा लिखा है कि भाई सामाजिक समता कैसी आएंगी उसके पहले महात्मा फुले ने कहा उसके पहले शाहू महाराज ने कहा भगवान बुद्ध ने कहा तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये एक लाइन है दूसरी लाइन आपकी ठीक है हिडगेवार साहब है गोडवलकर जी है दीनदयाल उपाध्याय जी है या अपने अभी भागवत जी भी है यहाँ तक आई है तो ये ये एक भी विचारों की लाइन है हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस लाइन से जाना है तो फुले शाहू आम्बेडकर का संघर्ष ये हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोध में ही संघर्ष था आज अगर हमें बाबा साहब की बात करनी है तो केवल आपका आपने उन्होंने जयंती 125वीं मना रहे है तो हम बड़े खुश होंगे ऐसा मानने की जरूरत नहीं क्योंकि सदियों से हम मना रहे हैं और हमारी पीढ़ियां आगे भी मनाएंगी और आप मना रहे मतलब उपकार कर रहे ये समझने की हम जरूरत नहीं मानते और आप मना, आप मना रहे एक मिनट आप मना रहे इसलिए हम इधर की बाकी सारी मनाएंगे ऐसा भी नहीं होगा तो आप अगर ये प्रोग्राम करते सामाजिक समता के लिए जाति निर्मूलन का हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला आप अगर आर्थिक समानता के लिए संघर्ष करते हैं तो आपका झेंडा लेकर के हम चलने के लिए तैयार है लेकिन वो बाबा साहब के विचारों पे हो ये हमारी एक से हाँ। दो चीजें कहूंगा क्योंकि दोनों विषय अभी हाल ही में मुझसे जुड़े हुए यशवंत स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ बहुत बहुत स्पीड से सर कार्यक्रम सवा लाख बच्चों का संविधान दिन का अभी सिद्धार्थ पाटी साहब का कहना है कि अभी पंतप्रधान को सूझा या मुख्यमंत्री को सूझा ऐसी बात नहीं भाई अभी तो ढाई दिन हुए सत्ता में आया है सुनिए ना भैया इसके पहले कांग्रेस शासन में हुआ तो कुछ नहीं बोले कोई यदि प्रामाणिकता से इस प्रकार के संविधान दिन की आवश्यकता को समझकर कर सवा लाख बच्चों को संविधान की प्रास्ताविका को सामूहिक रूप से पढ़ाना क्या संस्कार नहीं है कहीं ना कहीं अपने मन में यह भावना रखी है कि पीर पर्वत से पड़ी अब तो पिघलनी चाहिए हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आग कहीं भी हो मेरे आप आग लगनी चाहिए इस प्रकार की भावना जगाइए आग लगाइए कि बस हम सब एक है इस एकत्व की भावना को जपने का आव... जपने की आवश्यकता छोड़ो ये सारा आ ये... ये पुराना सारा उजागर करना बार बार उसको रखना इसमें से हम कुछ न्याय देने ते... वाले नहीं इसमें से विसंगति पैदा होगी इसलिए एक संघ की भावना निर्माण करने के लिए समता उसके साथ समरसता इसकी आवश्यकता ही है ऐसा मेरा मानना भिंडे सर आपका धन्यवाद आ, यहां पर हम लोग इस चर्चा को रोक रहे हैं लेकिन देखिए चर्चा समता या समरसता हमारे लिए समता उनके लिए समरसता हमारे आ, लिए दोनों आ, समता या <laughs> समरसता लेकिन आप आप महत्वपूर्ण बात यह है कि बात समानता पर हो या समरसता पर लेकिन उसके, लेकिन उसके अर्थ को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो बाबा साहब का एक भाषण भी आता है और बाबा साहब जब भारत को संविधान समर्पित करते हैं तो कहते हैं कि आज से हम लोग दो अलग-अलग सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं एक तो हम राजनीति में अपने आप में समानता को महसूस करेंगे लेकिन हमारा जो सामाजिक परिवेश है यह सामाजिक परिवेश में हम दुविधापूर्ण स्थितियों में रहेंगे क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी विषमता है अब इस विषमता को हम काटेंगे कैसे अब इस काटने के लिए हमारे पास एक बेहतर जरिया है एक बेहतर शस्त्र है जिसे बंधुता कहा जाता है अब इस बंधुता को हम किस लहजे में लेते हैं अब वो समरसता का लहजा है या समानता का लहजा है वो समता का लहजा है या फिर वो असीमित स्वतंत्रता का लहजा है बात यहां पर यह आती है कि जब कभी सदियों से जिन पर विश्वास नहीं रहा वो लोग यदि कभी समानता की बात करते हैं तो फिर उस पर लोग जो बहुत विषमतावादी व्यवस्था से पीड़ित होते हैं वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं क्योंकि वो बहुत परिस्थितियों के मारे हुए होते हैं और ऐसी स्थिति में विश्वास तब किया जाएगा जब परिस्थितियां सामने आएगी और ये वक्त आगे बढ़ेगा क्योंकि अब तो ये शुरुआत हुई है संक्रमण की अवस्था में हर कोई व्यक्ति अपने अपनी पहचान के लिए लड़ने का प्रयास करता है अपने अपने संकेतों के लिए लड़ने का प्रयास करता है और संकेतों से हर किसी को प्यार होता है लेकिन जब संकेत मीटने शुरू हो जाते हैं तब कभी हम अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ भी किसी गुलदस्ते का हिस्सा बनते हैं वास्तव में भारत जो जिस भारत को हम नमन करते हैं और जिस भारत को हम बनाना चाहते हैं वो भारत एक बड़े गुलदस्ते का हिस्सा है और वो गुलदस्ता फिर चाहे धार्मिक आस्था के साथ वो मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो बहाई हो धर्मी हो या फिर एक ईश्वरवादी हो निरीश्वरवादी हो बहुईश्वरवादी हो काल्पनिक ईश्वरवादी हो या फिर जो ईश्वर को ना मानने वाला हो लेकिन वो भी भारत का हिस्सा है लेकिन भारत के उस परिवेश का हिस्सा है जिस परिवेश में मैत्री का तत्व ये ऊंचा बनता है जिस परिवेश में समानता का तत्व ऊंचा बनता है और जिस फ्रैटर्निटी की बात भारत का संविधान करता है उस लहजे में अगर समानता या समरसता दोनों अगर आगे बढ़ते हैं तो ये चर्चा भी आगे बढ़ेगी और भारत के परिवेश में एक बहुत जीवन भी आएगा हम इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे लेकिन इस चर्चा की शुरुआत है ये इस बात की समता या समरसता लेकिन ये बात आगे बढ़ते चलेगी इस विषय को भी हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये भारत के निर्माण का प्रश्न है ये मात्र वाद विवाद का प्रश्न नहीं हमारे तीनों वक्ता यहां पर आए पाटिल साहब आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर लोखंडे सर आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत धन्यवाद और डॉक्टर भेंडे सर आप भी हमारे साथ आए आपका बहुत धन्यवाद मित्रों यहाँ पर रुकते हैं इस चर्चा को रोकते हैं कि समता या समरसता दोनों बातें आगे बढ़ते रहेगी आप बने रहेगा आवाज इंडिया के साथ